एनिमेटर्स टीम सावधान, आज हमारे स्टूडियो में सलमान खान आने वाले, उनके स्वागत में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। अंडरस्टूड? यस सर। गुड, लेट द सेलिब्रेशन बिगिन। क्या तुम लोग फालतूगिरी कर रहे हो इधर? इधर सलमान भाई आने वाले हो तुम लोग? अरे बाप रे, लगता है आ गए। अरे घंटी बजी नहीं, तेरे को कैसे पता चला? मैं सलमान का फैन हूँ, मेरे को सूंघ के पता चलता है। देखा, स्वागत नहीं करोगे हमारा? मेरे भाई मेरे स्वागत भी करो मेरे भाई। 3, 2, 1 स्टार्ट। सलमान भाई आयो, सलमान भाई आयो, हमारे ऑफिस में आयो। सलमान हो गया स्वागत, अभी पॉइंट पे आओ। सर चाय लेंगे, कॉफी? रिवाइटल लाओ सर के लिए। थैंक यू। Anyway, sir, getting back to the point. मेरा नाम केतन, ये बोन्स। हम लोग ट्यूबलाइट का स्पूफ बनाना चाह रहे थे। एक्चुअली हम लोगों ने सुल्तान और बजरंगी का जो स्पूफ बनाया उसमें सर आपके फैंस ना बहुत गाली देते हैं। क्या क्या बोला बोन्स? सर वो लोग ने बोला थे हमारी माँ का भोसड़ा एसडी के कांड में चूल, और तुम लोगों का तो भोसड़ी के चैनल बंद कर देना चाहिए। बस 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 बस, कितने क्रिएटिव है मेरे फैंस लोग गाली देने में, गाड़ी चलाने में और गोली भी। सर तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्यूबलाइट का स्पूफ बनाने के लिए ना हम लोग ना कुछ सीन्स हम लोग ने डिसाइड किए हैं। बोन्स पहले क्या होता है? सर स्टार्टिंग में ना पूरा टाइटल आता है YouTube Light। ये क्या फालतू टाइटल है? YouTube Light क्यों होगा? You have to say Tube Light, वरना लोगों को पता कैसे चलेगा कि Tube Light का स्पूफ है? नाम सेम रखेंगे तो फिर स्पूफ ही नहीं साउंड करेगा ना सर। वो सब तो ठीक है, लेकिन नाम Tube Light ही रहेगा। नहीं सर, फिर स्पूफ कैसे होगा? बाहर देख कौन खड़ा है। ठीक है सर, Tube Light ही रख लेते हैं। सर ऐसे अभी आपकी एंट्री सीन कैसे होती है मूवी में? आप मूवी में घोड़े पे आते हो, तो अभी स्पूफ में क्या होएगा पता है? बोन्स बता दो जरा। हाँ स्पूफ में ना सर घोड़ा आपके ऊपर है। मतलब क्या बड़ी लगेगा सर, आपके कंधे पे घोड़ा बैठा। घोड़ा सलमान क्या? इसमें फनी क्या है? सबसे पहले तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। एक घोड़ा जो कम से कम 500 किलो का होता है वो एक आदमी कैसे उठा सकते? फालतू आइडिया। सर फिर आप सजेस्ट करो। स्पूफ में मैं घोड़े के ऊपर एंट्री लूंगा। नहीं सर, फिर स्पूफ कैसे होगा सर? आपने मूवी में भी घोड़े पे एंट्री लिया था, स्पूफ में भी घोड़े पे एंट्री लेंगे, फनी नहीं लगेगा। स्पूफ होना चाहिए, मतलब ऐसा कुछ तो चुतियाप होना चाहिए सर। मेरे को लेके चुतियाप करेगा? बाहर देख कौन खड़ा है। छोड़ छोड़ केतन, छोड़ घोड़े का कैंसिल सर, घोड़े का कैंसिल। सर फिर अगला सीन, मतलब आपने मूवी में जब आपका भाई मिलिट्री में जाता है तो आपको दुख होता है, अभी स्पूफ में क्या होएगा केतन बताना। तो सर स्पूफ में क्या होता है, क्या आपका भाई मिलिट्री जाता ना आपको दुख बिल्कुल भी नहीं होता है, आप उल्टा खुश हो जाते हो। मनाओ जश्न मनाओ। सोहेल चला गया। मेरा बस चलता तो मैं उसको जयो के टाइम में निकाल देता, लेकिन अब वो जा चुका है। खाओ मजाक करो। भाई पनौती चला गया। जयो में भी फ्लॉप किया था। छोटे, why are you crying man? मेरे भाई लोग जो बोल रहे हैं एकदम सच बोल रहे हैं भाई, जयो में भी फ्लॉप हो गया भाई। मेरे भाई मैं कुछ चीजें करनी पड़ती है, कुछ चीजें नहीं करनी पड़ती। मेरे भाई कर कर के पट के। नहीं ऐसा कोई नहीं करेगा। देख ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं, ये लोग छोटे हैं, ये लोग जेलस हैं, ये लोग सच कह रहे हैं, इन लोग की बातें नहीं सुनते छोटे। I'll take care of this. सुनो, स्पूफ में जब मेरा भाई मिलिट्री में जाता है मुझे दुख होता है। नहीं सर, फिर मूवी में भी वही हुआ, स्पूफ में भी वही हुआ, तो फिर बाहर देखो। अच्छा अभी थर्ड वाला सर, थर्ड आइडिया, यू विल लव इट। ये तो हम लोग बनाते टाइम भी इतना हंसे थे ना। अभी एक्चुअल मूवी में कैसे, ईस्ट इंडियन लड़का रहता है, ईस्ट इंडियन मदर रहती है जो चाइना से उन लोग आए रहते हैं, तो इधर है ना बजरंगी भाई, उन्होंने मुन्नी जिसको पाकिस्तान छोड़ के आया था ना, वो वापस आ जाती है। मुन्नी उधर से बड़ी होके वापस आ गई है और बोलती है मुन्नी झंडू बाबूई आइटम तेरे। केतन कितने लोग पाकिस्तानी लोग कैसे बोलते हैं, पाकिस्तानी लोग माई जान मेरी मुन्नी को वापस कर दें। फुल स्पूफ। यहाँ पर
हम लोग मुन्नी को नहीं लेके आएंगे, हम लोग एक चाइनीज दिखने वाला लड़का और उसकी माँ को चिंकी चिंकी बुलाएंगे। कमाल कर रहे हो सर, ये तो हद हो रही है, मतलब आप जो जो सीन आपके मूवी में आप वही डाल दे रहे हो। हाँ, एक तो आपके फैंस हम लोग को गाली देते हैं, तो हमने सोचा हम आपको बुला के यहाँ पर खुद आपके मर्जी से हम लोग स्पूफ बनाएंगे और उसमें भी आप पूरा का पूरा मूवी डाल रहे हो, कैसे चलेगा ऐसे? आवाज ऊंची करके बात कर रहे हैं मेरे भाई। अब भड़को मत, आप ये छोटे लोग हैं, इन लोग के मुंह मत लगो, सीधा गाड़ी के नीचे कुचल देंगे वहाँ। चुप कर, छोटी छोटी बातों के लिए बंदूक नहीं निकालते। तुम लोग सुनो, जो मैं बोल रहा हूँ वो करो वरना बाहर देखो। अरे यार बोन्स, पेपर फाड़ दे। अब आप एक काम करो, आप ही बताओ क्या करना है। तो अब मैं तुम लोगों के हिसाब से स्पूफ बनाता हूँ। मूवी में मैंने पहाड़ हिलाया था। हाँ, अभी आप बोलोगे यहाँ पर भी आप पहाड़ हिलाओगे। नहीं, डिफरेंट। यहाँ पर मैं हाथ लगाऊंगा और तुम लोगों का शुद्ध देसी का ऑफिस बिल्कुल तहस नहस हो जाएगा, पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी, तुम लोग का पूरा धंधा चौपट हो जाएगा, सब लोग बोरिया बिस्तर लेके गांव देश भाग जाएंगे। कुछ भी सर, ये बोन्स, अभी सर ने क्या बोला, ये भी पॉसिबल नहीं है, घोड़ा पॉसिबल नहीं है, पाकिस्तानी पॉसिबल नहीं है, कुछ पॉसिबल नहीं है। अभी ये कैसे पॉसिबल हुआ? छोड़ कर ले, वरना फैंस लोग वापस गाली देंगे, सलमान को ऐसा बोला वैसा बोला, जो बोल रहे हैं वैसा कर ले, लाल करना है ना कर देंगे। ठीक है सर, पॉसिबल तो ये पॉसिबल नहीं है, बाहर देखो कौन खड़ा है। बस बहुत हो गया ना सर, हम लोग भी कम नहीं है, हम लोग ने अपनी पूरी बिल्डिंग ना बुलेट प्रूफ रखी है। मेरे भाई, ये लोग को ना फैंस के हाथों पिटवा देते हैं मेरे भाई, ये लोग को जंगल में ले जाकर ना गोली मार देंगे मेरे भाई। चुप कर छोटे, छोटी छोटी बातों के लिए गाड़ी बाहर नहीं निकालते, अभी दिखाता हूँ। देखा, कुछ नहीं हुआ, मेरे को तो पहले से पता था। अच्छा, तुम लोगों को लगता है कि तुम लोग ट्यूबलाइट का स्पूफ बनाओगे और मेरे फैंस को छोड़ देंगे? इन्होंने जो किया है इसको अब मैं अंजाम देता हूँ। ये देखो, देखा? हाँ सर, देखा। चलो चलो यहाँ से निकलते हैं, अभी काफी टाइम हो गया, फालतू में बुला के टाइम बर्बाद कर दिया। गाड़ी निकालो। नहीं मेरे भाई, गाड़ी आप निकालो, नाउ यू आर लाइक कम्प्लीटली फ्री मेरे भाई। कुछ चीजें करनी पड़ती है, कुछ चीजें नहीं करनी पड़ती है, कर करके पट पट के पिक्चर में हगा, यहाँ पाद रहे। चलो निकालो। हाँ देता हूँ अभी देता हूँ, एक सेकंड दे रहा हूँ। अरे दे रहा हूँ, गाड़ी में तो बैठने दो, देता हूँ। ये लो ऑटोग्राफ। दिस इज आवर लास्ट चांस, ये वीडियो अगर चल गया तो हमारा करियर बदल जाएगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और गाली देने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, आप क्या गाली दोगे? हम खुद को ही ऑलरेडी इतना गाली दे चुके हैं। पिक्चर पहले से स्पूफ थी, हमने अलग से स्पूफ बनाने का ट्राई किया।